हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक बाइक की वीडियो लेके आए। उसमें क्या है, उसमें बैटरी नहीं है, तो उसका न तो हॉर्न जल पाता है, ना ही उसका हॉर्न जल पाता है, ना ही उसका कोई इंडिकेटर जलता है, ना ही उसकी अच्छे से हेडलैम्प जलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें हॉर्न चलना चाहिए लेकिन हॉर्न नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें आज एक कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। कैपेसिटर का नंबर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 25 वोल्ट 4700 UF का कैपेसिटर है, मतलब 25 वोल्ट से कम मत लगाना बिल्कुल भी। तो उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, कैपेसिटर लगाने से हॉर्न और क्यों जलता है, इसका मैं कारण बता देता हूँ आपको। एक तो उसमें वोल्टेज, मतलब उसको इंडिकेटर को, मतलब हेडलाइट को और हॉर्न को बाइक में पूरे 12 वोल्ट चाहिए, तो वो 12 वोल्ट बाइक का अल्टरनेटर नहीं दे पाता है। मतलब उसको पहले गियर में करके फुल रेस दे तब तो वो मतलब पूरा वोल्ट देगा, लेकिन नहीं देगा तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर लगाने पर डीसी हो जाएगा उसका वोल्टेज, ठीक है। इसका आप देख सकते हो 25 वोल्ट 4700 UF का कैपेसिटर है। तो हमारे पास ये है बाइक फ्रेंड, ठीक है, देख सकते हो आप। तो क्या करना है इसका, एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ किस प्रकार का इसका हॉर्न जलता है, ठीक है। तो उसके बाद आप वीडियो को बने रहिए, मैं आपको स्टार्ट करके इसको एक बार दिखा देता हूँ। तो ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, हम इसको स्टार्ट करेंगे तो देखना। तो हमें क्या करना है कि इसका ये बैटरी वाला ढक्कन हमें ओपन करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, ये 8 नंबर 10 नंबर की का नट होता है, किसी किसी में 8 का होता है, किसी किसी में 10 का होता है। तो ये आपको चाबी लेना है, देख सकते हो आप, ये 8-10 नंबर की चाबी इसमें लग जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको ओपन करना है अच्छे से, इसको रुको, मैं इसको ओपन करने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर ये एक बैटरी है जो कि इसमें डेड हो चुकी है। मतलब ये बाइक के साथ ही बैटरी थी, उसके बाद बाइक में बैटरी ही नहीं डलवाई। तो क्या है कि अभी ये बैटरी डेड हो चुकी है, तो क्या करेंगे कि हम इसमें अगर बैटरी डलवाने जाए तो कम से कम 1200 से 1300 रुपये लग जाएंगे नई न्यू बैटरी के। ना तो ये सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्ट होती तो हम बैटरी का कोई जुगाड़ करते इसमें, ठीक है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो हमें वे फालतू का खर्चा लगता है और हम इसको खेतों में ही काम में लेते हैं, वैसे बड़ी नहीं जाते, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इस पर एक कैपेसिटर लगा देना ताकि इसका हॉर्न जल जाए। तो ये कैपेसिटर मैं इसमें नया कैपेसिटर लेके आया हूँ, ये डाल रहा हूँ। ये दोनों कैपेसिटर ओके है, कोई सा भी डाल सकते हो, दोनों डाल सकते हो। अगर दोनों को डालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों के नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव है, मतलब माइनस पॉइंट है, ये इसका कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है। मतलब दोनों कैपेसिटर के नेगेटिव नेगेटिव एक करने और पॉजिटिव एक करने हैं, मतलब पैरेलल में आपको ये कनेक्शन करने हैं। दोनों को बीच लगा सकते हो, दोनों से ये होगा इसका काफ़ी टाइम तक इसके ये चार्ज रहेंगे, मतलब इसके UF बढ़ जाएंगे, वोल्टेज सेम रहेंगे, ठीक है। तो हम इसमें एक कैपेसिटर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इसका रेड वायर है ना बैटरी पे, ये प्लस का है, और जो इसका नेगेटिव है जो हरा वायर, ग्रीन वायर आपको दिख रहा होगा। तो हम इसमें नया कैपेसिटर लगाएंगे, मतलब इसका बैटरी के माइनस से माइनस को कनेक्ट करेंगे, प्लस से प्लस को कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार से आप देख सकते हो इसका। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं अच्छे से वायर लगा दिया है, देख सकते हो आप। मैं अभी, मेरे पास कोई नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अकेला बना रहा हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, तो आपको किस प्रकार लगाना आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, मतलब माइनस को इस पर हमें अब टेपिंग कर देना है अच्छे से, ठीक है। तो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, इसमें प्लस प्लस और प्लस को बैटरी पे प्लस पर कनेक्ट करना है, माइनस को माइनस पे करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का है, माइनस का, हम माइनस का इधर लगाएंगे और प्लस का माइनस माइनस पे लगाएंगे,
तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हम लगा रहे हैं। अभी हमारे पास कोई बंदा आ गया हमारा दूसरा, तो मोबाइल वो पकड़ रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लगा रहे हैं इसमें, मतलब बैटरी के माइनस पे कैपेसिटर का माइनस लगाना है, और इसमें 8 नंबर की की लगेगी। आप इसको स्क्रू ड्राइवर से भी इसको खोल सकते हो। तो हम ये काम कर रहे हैं, तो देख सकते हो अच्छे से इसको टाइट कर लेना है। मैं इसका लगाने के बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, हमने इसका मतलब कैपेसिटर को कैपेसिटर का प्लस प्लस पे लगा दिया, और बैटरी के माइनस पर माइनस को लगा दिया, मतलब प्लस प्लस को एक किया माइनस को एक किया। तो इस प्रकार से हमारा ये काम हो चुका है, तो ठीक है। तो हमारा तो सेम इसी प्रकार से ही आपको लगाना है, इस पर टेपिंग कर देना अच्छे से ताकि ये वर्क करे, ठीक है। तो अभी हम बाइक का आपको हॉर्न और हेडलैम्प सभी चीज़ आपको एक साथ लग चुका है। बाइक स्टार्ट, इंजन अभी बाइक देख सकते हो हमने कंप्लीट कर दिया है सारा काम, और आपको दिखा देता हूँ इंडिकेटर भी अच्छे से काम कर रहा है बिना बैटरी के, वो भी लाइट में भी काफ़ी फर्क पड़ चुका है, ठीक है। तो अभी आप इसकी हॉर्न सुनना, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है। वीडियो अच्छा